हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैं खेलने वाला सस्ती वाली GTA 5। तो ये भाई धोखेदार दोस्त का पार्ट 1 है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख के आओ, फिर पार्ट 2 देखना। तो भाई अभी ये मैंने इसको बहुत डराया धमकाया, पहले एपिसोड में यही कह रहा था कि इसको सब पता है, किसने मेरा गाड़ी तोड़ा, किसने मेरा घर तोड़ा, किसने मेरा पैसा चोरी किया। तो भाई मैंने इसको बहुत मारा, ये कह रहा है कि रीची ने किया है। भाई इसको बहुत मैंने डंडे का, देखो भाई रो रहा है बेटा, बट लिटरली रो रहा है वो। मैंने इसको इतना डंडे से मारा, पता नहीं तब भी कह रहा है कि रीची ने चोरी किया। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, रीची क्यों मेरा चोरी करेगा, रीची ने क्यों तोड़ा। भाई रीची कर ही नहीं सकते, यही झूठ कर रहा है भाई, क्योंकि ये मैंने सुने कि ये रीची का बड़ा बड़ा ये बड़ा दुश्मन है रीची का। और भाई ये कह रहा है कि इसके पास प्रूफ भी है, ये बस रीची का गैलरी अपने दोस्त मतलब इस हैकर से हैक करवा सकते हैं रीची का गैलरी, और मैं मुझे प्रूफ देगा, क्योंकि रीची के गैलरी में ये लोग कह रहे कि उसके गैलरी में है, कि उसके गैलरी में वो सब मतलब उसने मेरा जब गाड़ी तबाह किया था वो वीडियो उसने करके रखा था। तो भाई ये कह रहे कि वो हैक करके उसके मोबाइल से निकाल सकता है। और भाई ये बहुत ही खतरनाक वाइट हैकर है, बहुत ही खतरनाक हैकर है भाई, इसको कोई विश्वास नहीं। देखो आप लोग बस इतने छोटे से टैब से ये हैक कर सकता है। तो भाई ये हैक स्टार्ट करने ही वाला है, रीची का हैक करेगा। अगर ये लोग झूठ कह रहे होंगे तो मैं इनको खत्म कर दूंगा। और ये हैकर का लैपटॉप स्क्रीन एक्सेस ग्रांटेड, इसका मतलब वो हैक कर रहा है। और भाई डाउनलोड हो रहा है भाई, हाँ हैक हो गया भाई, और इसने मुझे ड्यूट चैट में भेज दिया हैकर ने। और भाई हाँ भाई ये तो रीची ही कर रहा है, आप लोग देखो बस मेरे मोबाइल में वीडियो चल रहा है, तो रीची देखो मेरे घर में मारा भाई, मुझे और नहीं देख रहा, बहुत दुख का भाई। रीची ऐसा मेरे साथ करेगा मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा है भाई, इनको मैं कुछ नहीं करने वाला भाई। अगर तुम लोग झूठ कहते तो मैं तुम लोगों को एकदम ही मार के रख देता, लेकिन भाई तुम लोगों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया यार। मैंने इस लाल वाले शर्ट वाले बंदे को बहुत मारा था, लेकिन तब भी इसने मुझे सच किया। यार कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, वक्त में अहम वक्त में मुझे बुला लेना यार, याद करना। बट लेकिन अभी तो मैं रीची के साथ बदला लेने वाला हूँ भाई, रीची के साथ बदला लेने वाला मतलब रीची को अपने हाथ से नहीं मारने वाला है, पुलिस स्टेशन भेजेंगे, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। आप समझा क्यों पुलिस स्टेशन था ये, रीची बहुत ही बुरा आदमी है भाई, मुझे लगता ही नहीं था रीची ऐसा करेगा मेरे साथ भाई। रीची को आज मैं ख़त्म कर डालूंगा, आप लोग बस देखना भाई, रीची को ख़त्म कर देंगे, हाँ भाई ख़त्म कर देंगे रीची को, मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ भाई। नहीं भाई रीची को मार तो नहीं सकते, लेकिन मैं उसको पुलिस स्टेशन ज़रूर भेजूंगा भाई, इसको उसके गलत काम के लिए उसको पुलिस स्टेशन भेज के ही छोड़ेंगे हम लोग। और भाई ये रीची इतना बूढ़ा होगा मुझे पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि रीची ने किसी से सुपारी लिया भाई, मुझे एकदम श्योर हूँ भाई। मैं रीची के घर आ चुका हूँ, मैं चुपचाप अंदर जाऊँगा, और मुझे लग रहा है रीची किसी के साथ मिल के ये काम कर रहा है। अब मैं एकदम ही अच्छे से जाता देख लेते रीची कहीं है तो नहीं, बैठा होगा फिर बोलेगा जैक तू इधर क्या कर रहा है। अब जल्दी से जाते हैं, ओ भाई इतना सारा पैसा भाई, एक बड़ी रुको देख लेते भाई वो कहीं है तो नहीं, बाथरूम में तो नहीं है, कहीं बैठा होगा साइड से, बाथरूम में किस लिए बैठा होगा भाई, नहा रहा होगा। और भाई देखो इतना सारा पैसा, और भाई ये पैसा तो मेरा है भाई, ये देखो नंबर जो इसके ऊपर, ये देखो एक नोट के ऊपर नंबर रहता है भाई, इन नोट के ऊपर ही वो सेम नंबर है, मैं सब कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैं सब कलेक्ट करूँगा तो उसको शक हो जाएगा, मुझे एक बंडल बस उठा लेना है, क्योंकि मैंने सब इतने भी नंबर थे पर मुझे बहुत याद है, क्योंकि मैं हमेशा नंबर नोट के याद रखता हूँ, लिख के रखता हूँ यार। और भाई मैं देखो भाई मुझे अभी भी याद है, लेकिन मैं एक ही बंडल रखूँगा नोट का, बाकी सब भेज दूंगा। और फिर ये एक प्रूफ हो गया कि रीची ने हमारा पैसा चोरी किया भाई, रीची वो हैकर सच ही कह रहा था। मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले तक भी हैकर हैक करने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तूने ही हैक किया है। लेकिन भाई मैं एक बारी ना इसका F1 भी देख लेता हूँ, मैंने ही तो गिफ्ट किया था, गरीब तो हमेशा मेरे चीज़ में ही चलता था भाई। देखो भाई रीची के घर इन्वेस्टिगेशन किया मैंने, और भाई मैं पुलिस स्टेशन को पुलिस में इन्फॉर्म करने वाला हूँ उसको, जैसे मैं निकाला था जेल से वैसे ही घर फिर से घुसेड़ देंगे जेल के अंदर, आज रीची को ख़त्म कर देंगे यार। रीची तू गया, मैं उसको मारूंगा नहीं, बस उसको पुलिस स्टेशन ज़रूर भेजेंगे भाई, रीची ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा लगता नहीं था भाई। मैंने उसको जेल से इतना मेहनत करके निकाला था यार, उसको जेल से तो मैंने ही निकालना था, किरिल शायद से ही है ना, किसी बंदे के साथ मिला ज़रूर है, किरिल के साथ तो नहीं है यार, किरिल भी बहुत अच्छा है अपना दोस्त है भाई। अभी फिलहाल रात हो गई है, मैं जल्दी से जाता हूँ घर, और भाई घर जाके सो जाते हैं। मैं अभी भी घर के पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई ना कोई तो मुझे सबूत और भी अच्छा चाहिए, मेरे पास दो सबूत है, एक वीडियो है और एक पैसा वाला मतलब नोट वाला। भाई मैं लाइट ऑन करके सो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रीची मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाई। मैं नेक्स्ट सुबह हो गई है भाई, बहुत मस्त सोए, लेकिन अभी मेरे अंदर तो बदले की आग जल रही है, पता नहीं मैं रीची को कब एकदम जेल भेजूंगा, तब मुझे शांति होगा भाई। उसने मेरा सब गाड़ी तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, और भाई अभी मैं जा रहा हूँ रीची के घर, और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई। रीची को पता चल गया तो मैं तो बस गया भाई, रीची को पता चल गया तो बस सब खत्म हो जाएगा।
मुझे जाना होगा चुपचाप से, और भाई चुपचाप से इन्वेस्टिगेशन प्रूफ वूफ एकदम कलेक्ट करके जाना होगा। भाई मैं कल एक चीज़ करना ही भूल गया, मैंने वो नोटों का बंडल का पैसा ही मतलब कलेक्ट करना भूल गया, कि मतलब फोटो कलेक्ट करना ही भूल गया उधर, फोटो कलेक्ट नहीं भाई फोटो क्लिक करना ही भूल गया, वरना तो अभी मुश्किल मुसीबत में पड़ जाते हम लोग। भाई मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, मैं गेट क्यों बंद करो, नहीं भाई रिची बाहर से आ गया तो उसको खतरनाक वाला शक हो सकता है। तो भाई अभी देखो ये पैसे का ना मैं एक फोटो खींच के रख लेता हूँ, रिची ना बस आ जाए मेरे साथ भी फोटो खींच लेते हैं, प्रूफ रहेगा भाई, जज को यही दिखाऊंगा जब वो केस लड़ेंगे तो यही दिखाएंगे भाई। और भाई ये प्रूफ तो एक हो गया, पता नहीं यार ये रिची कैसे ऐसा कर सकता है भाई, अभी रिची घर में आ गया तो मैं तो बस खत्म हो जाऊंगा भाई, मुझे घर के बाहर चले जाना चाहिए, एक बारी देख लेता हूँ, मुझे और भी प्रूफ्स ढूंढने हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा यार मैं अंदर जाके और भी प्रूफ्स ढूंढता हूँ, पता नहीं ये रिची ना घर में आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मैं क्या करूँ और कहाँ कहाँ प्रूफ मिल सकता है। और भाई रिची आ गया, ए जैक तू कैसा है और मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे रिची तू कहाँ से आ गया? अरे यार अभी तो आया, मैं तो बस पिकनिक में गया था भाई, मैं तो बस इधर ऐसे ही घूम रहा हूँ बहुत दिनों से तेरे साथ, और मुझे लग रहा है तूने कुछ देख लिया मेरे घर के अंदर, वो पैसे क्या देख लिए तूने भाई, बोल सच बोल, कौन से तूने कोई पैसे देखे कि नहीं? मैं बहुत बड़े ट्रिप में गया था, एकदम मलेशिया गया था घूमने, और भाई तू पहले बता वो कुछ देखा तो नहीं सीक्रेट चीज़ ये बता। नहीं भाई मैंने कुछ भी नहीं देखा भाई, मैं तो तेरे घर अभी बस आया घुसा है, और भाई मुझे लगा कि तू घर में, भाई बोल के जाना चाहिए था ना घूमने जा रहा है, और भाई ये पैसे कहाँ से आ गए एक बार बता सकता है? प्लीज़ बता ना भाई, ऐसे भी मुझे अभी मुझे बहुत काम है यार, मुझे अभी अपना गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन वो सब भी पुलिस स्टेशन में FIR करवाना, मैं अभी जाता हूँ, हाँ बाद में मिलेंगे भाई, जल्दी से भागो भाई, ये कब भाग गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, जल्दी से भागो भाई, रिची कब घर में आ गया भाई, उसके साथ शक हो चुका है, और ये तो भाई किरिल का कार है भाई, किरिल मिला है इसके साथ, किरिल का कार है भाई, मैं जो चला के हाँ मुझे लग रहा है ये जैक को सब पता चल चुका है, हमारा सीक्रेट किरिल और मेरा सब सीक्रेट उसको पता चल चुका है, मुझे अब ये सब बात किरिल को बताना पड़ेगा भाई, किरिल नहीं जानेगा तो कुछ भी नहीं होगा, हम सब मुसीबत में फंस पड़ सकते, जैक को साइड से खतरनाक एक्शन लेना पड़ेगा जैक के ऊपर। अब मैं जल्दी से भाई किरिल के पास जाता हूँ, किरिल ही कुछ हल निकाल सकता है, किरिल बहुत ही बुद्धिमान वाला व्यक्ति है भाई, जल्दी से चलते हैं, ये जैक जा गया तो है ना, वरना ये अभी भी हो सकता है, वो उसको कोई भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है वो मेरे घर इन्वेस्टिगेशन घूमने नहीं आया था, इन्वेस्टिगेशन करने आया था, और मुझे ढूंढने भी नहीं आया था। और फिर मैंने उसका उधर किरिल का घर गाड़ी दिखा भाई, कन्फर्म पता चल चुका है, मुझे लग रहा है कन्फर्म पता चल चुका है भाई, रिची जैक को कन्फर्म पता चल चुका है भाई, मुझे जल्दी से जाना होगा, किरिल को ये बात बतानी पड़ेगी कि रिची को सब मतलब जैक को सब पता चल चुका है भाई, रिची का मैं टेंशन के कारण चला भी नहीं पा रहा हूँ F1 भाई, रिची मतलब किरिल किधर है भाई, किरिल जल्दी सुन मेरी बात, जैक को सब पता चल चुका है, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है भाई, इसको अभी इधर रहने दो, जल्दी से हो रहा है भाई, किरिल ये रहा भाई, किरिल सब किरिल पता, जैक को सब पता चल चुका है भाई, किरिल ये किरिल भाई तुझे पता है जैक को सब पता चल गया, अब हम क्या करें, वो हमको फंसा देगा, उसके पास प्रूफ भी है साइड से, तू जल्दी से बता अभी क्या जैक के साथ क्या किया, जैसे इसको किडनैप कर ले या फिर क्या कर ले भाई, बता भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस हमको पकड़ लेगी, जल्दी बता भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ यार तू इतना चुपचाप क्यों है भाई, कुछ तो बोल भाई, जैक को मार डाल, जैक को मार डाल।